वेलकम आप सभी का मेरे चैनल पीआर एडवाइजर्स पे। आज बात करूंगा ऐसे टॉपिक की जिसमें मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी जब मैं अपनी पीआर फाइल कर रहा था। ये कन्फ्यूज़न वैलिड भी थी क्योंकि मेरी जो डिग्री थी वो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थी और जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस था वो सॉफ्टवेयर में आईटी कंपनी में था। तो मेरे को ये कन्फ्यूज़न थी कि जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है वो फेडरल स्किल में एक्सप्रेस एंट्री में काउंट भी होगा या नहीं, बिकॉज जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है जो मेरा एजुकेशन है वो मैच नहीं कर रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे बहुत रिसर्च की, देखा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी एंड फाइनली मेरे को दो तीन जगह से पता चला कि नहीं आएगी। बट मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा विद एविडेंस कि क्या ज़रूरी है आपका वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन हिस्ट्री मैच करना, इनलाइन होना। अगर नहीं होगा तो क्या आपकी पीआर आ सकती है या फिर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो मेरी डिग्री थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जो मैं आपको अभी ऊपर आप देख सकते हो, मैं आप स्क्रीनशॉट डालूंगा, आप देख सकते हो कि मेरी जो डिग्री है वो आप देख सकते हो। तो जी हाँ, ये मेरी डिग्री है। तो जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है वो मेरी NOC 2174 है, वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर सी है। तो आप अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसका स्क्रीनशॉट जिसमें लिखा हुआ है कि एजुकेशन जो है वो कंप्यूटर्स में हो या कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड हो या इनफ कंप्यूटर की एजुकेशन हो, वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप देख लेना। तो जब मैंने वो पढ़ा एजुकेशन का तो मेरे दिमाग में आया कि मेरी तो मैं एजुकेशन मैकेनिकल की है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। बट फाइनली जब मैंने पीआर फाइल कर दी अपनी, सब कुछ हो गया, तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। ये नेसेसरी नहीं है कि आपको इनलाइन जब मैच करना ही चाहिए, आपका मैच नहीं भी करता होगा तो चल जाएगा, बिकॉज मेरे केस में आराम से चल गया। मैं फेडरल स्किल्ड एक्सप्रेस एंट्री की बात कर रहा हूँ और उसके अलावा PNP ओंटारियो PNP अंडर ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्कीम की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी PR अंडर PNP आई है। तो मैं आपको बता सकता हूँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जो भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कोई सा भी एप्लीकेंट है और उसका एक्सपीरियंस अलग जैसे IT में है तो ये चल जाएगा, आराम से चल जाएगा, डज नॉट नीड टू बी इन सेम फील्ड। तो ये था पूरा टॉपिक, आई होप आपको अच्छा लगेगा। डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड आप कॉमेंट कर सकते हो अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। I will try to answer it. Thank you.